हूँ, मैंने नतीजा लगाया या मैं अपने खेत से लाया हूँ। अच्छा, यह बीमारी में बहुत लाभदायक है तथा इससे जल से मंजन करने में दांत साफ रहते हैं। गेंदा है और इसके बाद ये जो फ्लावर है ये इसको पेपी फ्लावर बोलते हैं। सब अपने से मैनेज हो जाता है अपने वेतन से, और जो कुछ करना है तो फिर बजट नहीं सोचा जाता है। मुगल गार्डन का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोग सर्दियों के मौसम पे वहां के निकले हुए नए नए पौधों और फूलों का दीदार करने के लिए जाते हैं। और आजकल ये विशेष चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है, और ये अमृत उद्यान लोगों के दीदार के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर देशी विदेशी हर तरह के जो फूलों के पौधे लगाए गए हैं और लोग देखने के लिए आते हैं। हम आज आपको ऐसे ही एक मिनी अमृत उद्यान को दिखाने वाले हैं जो कि दिल्ली में न होकर के फतेहपुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में है। इस समय हम खड़े हैं फतेहपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय बाबूपुर में, जहां पर विद्यालय के स्टाफ और बच्चों ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन मिनी अमृत उद्यान बनाया है जो कि देसी विदेशी तमाम तरह के फूलों से भरा हुआ है। बच्चों ने अपनी मेहनत से उन पौधों को लगाया हुआ है, पौधों के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं वो मिनी अमृत उद्यान जो कि फतेहपुर जिले के बाबूपुर गाँव में है। हम बच्चों से बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस गार्डन को सजाया हुआ है। तो हम आ चुके हैं उस मिनी अमृत उद्यान में बाबूपुर विद्यालय के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रंग बिरंगे तमाम तरह के ढेर सारे पौधे विद्यालय के बच्चों ने लगाए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पीला गुलाब यहाँ पर लगा हुआ है, इसी तरीके से बारबीना। सबसे अच्छी बात है कि इन पौधों को लगाने के साथ साथ पे यहाँ पर सभी पौधों का नॉमिनेट किया गया है, उनका नाम भी लिखा गया है जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके। हम आपको बताना चाहेंगे, विद्यालय के स्टाफ से हमने जैसे कि जानकारी की उसके आधार पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर गाँव के और गाँव के अगल बगल के बहुत सारे लोग भी इस गार्डन को देखने आते हैं, क्योंकि बच्चों ने इसे अपनी मेहनत के माध्यम से बखूबी सजाया है। हमारे पास यहाँ पर विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफसी टाइम्स में। धन्यवाद सर। जो आपने ये मिनी अमृत उद्यान बनाया है जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया है, तो सर ये करने की प्रेरणा आपको किस तरीके से आई, इसके बारे में बताएं। ये मतलब कि जो हमने उपवन बनाया है जी, इसका एक उद्देश्य था कि लोग टीवी में देखते थे, पिक्चरों में फोटोज में देखते थे, तो हमारा ये उद्यान बनाने का ये मकसद था कि ये कई प्रकार की वैरायटीज़ जी अगर हम अपने विद्यालय में रखेंगे तो ये बच्चों को एक नया अवसर देगा, क्योंकि फूल देखेंगे तो उनमें जिस प्रकार फूल खिलता है तो हमारे बच्चे भी चहकेंगे देख करके। तो एक ये मंशा थी, और फिर धीरे धीरे इसी को क्रियान्वित करने के लिए पूरे स्टाफ का, बच्चों में वही जागरूकता आई, तो हम बाहर से बहुत सी वैरायटियाँ जितने भी संभव थी उनको लगाया जगह के हिसाब से, और आज वो फल फूल रहा है। इसके साथ ही हमने उसमें एक हर्बल गार्डन भी तैयार किया, और उसमें कुछ वैरायटी जो यहाँ पर नहीं उपलब्ध थी उनको हमने मंगाया, और इसके साथ साथ हमारे बच्चों ने बहुत इसमें सहयोग किया। बच्चों ने क्या किया कि जब हमने उनको बताया कि आपके आसपास बहुत सी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनका हम प्रयोग करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, लोग जानते नहीं कि ये कौन सी किस दवा में काम कर सकता है, तो बच्चों को हमने बताया और उनकी पहचान कराई, तो वो उन्होंने अपने समाज में देखा, अपने घर परिवार में देखा, खेतों में देखा, और वहाँ से ले करके यहाँ पर गमले में उसको स्थापित किया। अब एक बच्चे ने किया तो दूसरे में प्रेरणा आई, जैसे कुछ बच्चों ने भेंगराज कोई लेके आया तो दूसरा लेकर के वहाँ से लड़जीरा ला रहा है, हमने उसको वहाँ पर लगाया, उसका नामकरण किया। आज हर बच्चा ये जान रहा है कि गिलोय से हमें कितना, जैसे कोरोना काल में गिलोय की बहुत बड़ी मांग हुई, तो वो गिलोय आज सबके लिए अमृत बनी, तो इस प्रकार से इनके सबको पहचाना और वो अपने जीवन में क्रियान्वित हो रहे हैं। समाज में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि गांव के लोग पहचान रहे हैं कि ये इनका हमें वास्तविक जीवन में इनको आत्मसात करना पड़ेगा। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो आपका जो मिनी अमृत उद्यान है, यहाँ पर तरह तरह के जो फूलों के लगाए गए हैं पेड़, कुछ देसी हैं कुछ विदेशी हैं, तो ये सारे के सारे जो पौधे हैं आपने कहाँ से इकट्ठे किए? जी, कुछ तो कानपुर की नर्सरी से, जहानाबाद की नर्सरी से, कुछ ऑनलाइन परचेज किया है, और जितने विंटर में
फ्लावर थे उनका अधिक से अधिक समावेश, उनके बारे में पढ़ा कि इनकी कौन सी खाद जरूरी है, इनकी रखवाली के लिए कौन कौन से कीटनाशक इनमें अटैक कर सकते हैं, उसका पूरा प्लान करके पूरा बच्चों के माध्यम से कि बच्चे भी जाने कि इसमें क्या हो सकता है, और उन्हीं को सहयोग लेकर के सब मिलकर पूरा स्टाफ मिलकर के काम किया गया और पूरा इस प्रकार से उनके बारे में जानकारी हुई और होली इकट्ठा किया। जैसे कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये पौधे लगाए तो विद्यालय की शोभा तो बढ़ती ही है, साथ में ये जो पौधे तरह तरह के लग रहे हैं तो बच्चे सीख भी रहे हैं, उन पौधों के नाम सीख रहे हैं, उनकी केयर किस तरीके से करेंगे, उनमें कौन सी खाद पड़ेगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। सर कुछ पौधों के बारे में बताएं, कुछ हमको पौधे दिखाएं। ये एस्टर का पौधा है जी जी, ये करीब एक डेढ़ महीना फूल रहता है ये एस्टर का जी। और इसके बाद एक्रोलियम का पौधा है, इसको पेपर फ्लावर भी कहते हैं, आप इसको अगर टेस्ट करेंगे ना तो जैसे पॉलीथीन होती है जी जी। उस प्रकार से इसकी आवाज़ आएगी। पेपर फ्लावर के क्रम में यहाँ पर दो तीन वैरायटीज लगी हैं, ये आपका एंटीरियम का पौधा है, फिर इसके बाद बर्बीना लगा है, डेजी लगा है, फिर इसके बाद गजेनिया है, डेंटस है, न्यूट्रिशियम है, कैलेंडोला है, इधर पेटोनिया रखा है, डिमोफेथिका है, इस प्रकार से पेंजी भी है, कलांचू है, डहलिया है, और इसके बाद कास्मस भी है, साल्विया भी है, इस प्रकार से तमाम सा गुलाब भी है, 13 वैरायटी गुलाब की लगी हुई है, गुड़हल भी है, हर प्रकार का ये फूलों से है। इसके अलावा जो हर्बल किया गया है इसमें हमने पान है जी जी। पान का कलेक्शन है, नींबू है, लेमन ग्रास है, घृत कुमारी, सर्पगंधा, अश्वगंधा है, शतावरी है, लौंग है, जावित्री, काली मिर्च, तेजपत्र, हींग, और इसके बाद हर सिंगार है, तुलसी है, और भृंगराज है, आपका पुदीना है, गिलोय है, सफ़ेद मदार है, काली मिर्च है, इलायची है, इस प्रकार से औषधियों का यहाँ पर हर एक गमले में पूरा प्लांटेशन किया गया है। तो हमने जैसा कि यहाँ पे दिखाया कि आपके जो अमृत उद्यान है विद्यालय में, अमृत उद्यान के साथ साथ यहाँ पे आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन जड़ी बूटियों के पौधे भी लगाए गए हैं, और साथ में बच्चों को ये भी बताया गया है कि कौन सी जड़ी बूटी हमारे किस काम में आती है, जिससे बच्चे सीख करके अगर उनको कोई तत्कालीन समस्या आती है तो इन सारी चीज़ों को यूज कर सकें। जैसे कि तुलसी का पत्ता होता है, बहुत सारे रोगों में काम करने वाली चीज़ होती है, और तुलसी को माता भी कहते हैं, अपने धर्म में लोग कहते हैं तुलसी को माता, क्योंकि उसमें इतने गुण होते हैं कि वो हमारे शरीर में 1000 से अधिक बीमारियों को सही करने की क्षमता तुलसी रखती है। इसी तरीके से गुड़हल होता है जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। लेमन ग्रास लोग चाय वगैरह में डाल करके पीते हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। शतावरी है जिसका आयुर्वेद में आपने सबने नाम सुना ही होगा। सर ये जैसे कि यहाँ पे अश्वगंधा है, घृत कुमारी है, तो सर कुछ एक बच्चे जो आपके बच्चों ने लगाया होगा यहाँ पे पौधे, तो उनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने कौन सा पौधा लगाया है। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं, क्या नाम है बेटा आपका? आदर्श। आदर्श, आदर्श आपने जो ये अमृत उद्यान बनाने में सहयोग किया है विद्यालय का, तो आपने कौन सा पौधा लगाया है? मैंने लजीरा लगाया, यह मैं अपने खेत से लाया हूँ। अच्छा, यह बीमारी में बहुत लाभदायक है तथा इससे जड़ से मंजन करने में दांत साफ रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। लटजीरा आप अपने खेत से लगाया आपने और ये दांत मजबूत करता है, बहुत बढ़िया। और आपने कौन सा पौधा लगाया बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा रामान शर्मा ने भृंगराज का पौधा लगाया है। यह पौधा घिसकर बालों में लगाने से बाल काले हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, तो मतलब इसको लगाएंगे तो बाल हमारे काले हो जाएंगे, जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंश है। अंश, आपने कौन सा पौधा लगाया है? मैं अपने घर से यह पुदीना लाया हूँ, इसको चटनी के रूप में प्रयोग करके खाया जाता है, और ये शरबत बना के भी पीते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है। बहुत लाभदायक होता है पुदीना, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो और भी ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष, आपने कौन सा पौधा लगाया है? मैंने कुकरौंदा लगाया। कुकरौंदा, हम खेत से लाए कुकरौंदा, और इसको घस कर शरीर में लगाते हैं, ये बहुत लाभदायक है, और वो हमारी सर्दी दूर कर देता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, देखिए एक नई जानकारी मिली, कुकरौंधा का पौधा होता है ये इस तरीके का, और ये सर्दी को दूर करता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष है। अच्छा पीयूष, आप जो है यहाँ पे जो गार्डन यहाँ पे लगाया गया है, तो इसमें आप आकर के पानी वानी कभी देते हैं? देते हैं। अच्छा अच्छा, तो सभी लोग जितने भी बच्चे हैं सारे मिलकर के पानी और देख रेख किसका रखते हैं, तो समय समय में इसमें बहुत सारे खरपतवार भी उगाते होंगे, तो आप लोग सब लोग साफ करते होंगे मिलके? यस।
अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आइए हम आपको और दिखाते हैं इस तरीके से कुछ एक बहुत ही सुंदर से पौधे यहाँ पे विद्यालय पे लगाए गए हैं। ये हेलिक्रिशम जैसा कि लगाया गया है। तो सर, ये जो हेलिक्रिशम का जो पौधा होता है जी, तो ये मुख्यतः मतलब कहाँ का पौधा है, किस जलवायु का पौधा है ये सर? ये सर ठंडी जलवायु का है जी। जी, जितने भी फूल लगे हैं ये सब विंटर कलेक्शन है। कोई ऑस्ट्रेलिया प्रजाति का है, जैसे आपका एक्रेलियम है ये ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति का है, बर्बीना आपका दक्षिण अफ्रीका प्रजाति का है। तो ये सब ठंडी प्रजाति के पौधे हैं। इसको भी पेपर फ्लावर के रूप में देखा जाता है। इसके भी जो फूल आते हैं ना, वो पेपर फ्लावर, मतलब कि उसको आप टच करेंगे तो बिल्कुल पेपर जैसा खड़खड़ की आवाज़ आएगी। और बाकी ये आपका डहलिया है और अनवर गेंदा है, पेपी फ्लावर भी है, कॉस्मस भी है, आगे रेड कलर का जी सर, ये साल्विया का पौधा है, ये भी विंटर का है। और ये आपका डिमोफेथिका पौधा है, ये भी इसमें सिंगल फूल आते हैं, व्हाइट कलर के हैं, ये भी विंटर कलेक्शन है। इसके बाद ये डेजी का पौधा है, ये व्हाइट कलर का डेजी जी। ये सर किस जलवायु का पौधा है? ये भी ठंडी जलवायु का है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ठंडी जलवायु का है, ये पूरे विंटर कलेक्शन है। और इसके बाद ये आपका अनवर गेंदा है। और इसके बाद ये जो फ्लावर है, ये इसको पेपी फ्लावर बोलते हैं। और ये कॉस्मस है, ये करीब 2-3 महीने तक खूब फूलते हैं, मतलब सर्दियाँ के पहले आप लगा दीजिए और ये फरवरी मार्च तक खिलते हैं जितने भी फूल लगे हैं। इसके बाद हमारा ये लक्ष्य है कि जब ये विंटर का कलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बीच में ही यहाँ पर बेड़ तैयार करके, जो हमारे समर के हैं, समर में जैसे आपका सूरजमुखी आता है, और इसके बाद नवरंग के फूल आते हैं, कोचिया एक घास आती है, इस टाइप से यहाँ पर आपका पूरा विंटर कलेक्शन लग जाएगा। और उसकी हमने बेड़ भी तैयार कर लिए, नवरंग का जो है वो पौधे लगा दिए गए हैं, अभी जहाँ ये हटे नहीं कि वो पूरे लगा दिए जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये लक्ष्य है कि ये जो मिनी अमृत उद्यान है, ये पूरे वर्ष सीजनल फूल लोग देखते रहें और मतलब कि इसकी मतलब कि महक बरकरार रहे। सर, लगभग आपने कितनी प्रजाति के पौधे लगा रखे हैं? करीब 27 प्रजाति के पौधे हैं यहाँ पर। सर, 27 प्रजाति के पौधे आपने लगाए हैं, तो इसमें तो अच्छा खासा आपका बजट का खर्चा आया होगा, जो कि हम जैसा कि हमें जानकारी है तो सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ बजट नहीं मिलता। तो किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं सब? ये सब अपने से मैनेज हो जाता है, अपने वेतन से जी जी। और जो कुछ करना है तो फिर बजट नहीं सोचा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे कुछ लोग सरकारी विद्यालयों को बदनाम करते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती या अच्छी चीज़ें नहीं होती, तो आज हम आपको ऐसा विद्यालय दिखा रहे हैं बाबूपुर का, फतेहपुर जिले के बाबूपुर का ये विद्यालय है, जहाँ पर अध्यापक अपनी जेब से अपने वेतन से पैसे निकाल करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, साथ में इस तरीके की नई चीज़ें कर रहे हैं, मिनी अमृत उद्यान। सर, आपका जो ये प्रयास है, तो ये देख करके और भी विद्यालय इससे प्रेरणा लेंगे और सीखेंगे कि उनको भी इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, इससे बच्चों में एक नई रुचि, एक नवाचार जो है वो आता है, और साथ साथ में विद्यालय में इस तरीके से पेड़ पौधे लगे होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो सर, बहुत शुभकामनाएं हमारी, और ये गर्मी के मौसम में भी जरूर हम आने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आपके जो गर्मी वाला जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत ही बढ़िया लगा आपके साथ मिल करके, और ये जो आपने अमृत उद्यान बनाया है वास्तव में ये देखने योग्य है, और यहाँ पे लोगों को आप बुलाइए और लोगों को दिखाइए। माध्यम से मैं सबको इनवाइट करता हूं कि एक बार जरूर आए बाबूपुर और यहां का मतलब कि जो फूल लगे हुए हैं उनको देखें और हमें कमेंट्स जरूर करें, जिससे भविष्य के लिए और सुधार किया जा सके। जी जी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एफसी टाइम्स, और इस समय हम यहां पे बाबूपुर विद्यालय में थे, जो कि आपको मिनी अमृत उद्यान दिखा रहे थे। इसी तरीके की बेहतरीन जानकारियाँ और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, जिससे आपको फ्यूचर में सारी जानकारियाँ मिलती रहें। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।